नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। रैपर बादशाह द्वारा लॉन्च की गई नई एल्बम पर बवाल खड़ा हो गया है। यहाँ संतों, महंतों और महाकाल मंदिर के पुजारियों ने आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि हम इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे। बादशाह ने अपने एक गाने में भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हुए कुछ अश्लील शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे हिंदूवादी लोगों की आस्था को बहुत ठेस पहुंचा है। रैपर बादशाह द्वारा लॉन्च की गई नई एल्बम पर बवाल खड़े हो गए हैं। यहाँ संतों, महंतों और महाकाल मंदिर के पुजारियों ने आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि हम इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करेंगे। बादशाह ने अपने इस गाने में भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हुए कुछ अश्लील शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे उनकी आस्था को बहुत ठेस पहुंची है। दरअसल बादशाह के एल्बम सनक को लेकर महाकाल मंदिर के पुजारियों के साथ ही संत महंतों ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। पुजारियों का कहना है, यदि भगवान शिव का नाम लेना ही है तो उनके भजन बनाओ, उसके खूब चलाओ, लेकिन खुद की प्रसिद्धि के लिए भगवान के नाम का गलत प्रयोग करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अखंड हिंदू सेना के संस्थापक एवं महामंडलेश्वर आचार्य शेखर ने इस गाने पर आपत्ति लाते हुए कहा कि कोई भी गाना बनाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे देवी देवताओं का नाम आदर सम्मान से लिया जाना चाहिए। यदि इनके नाम और इनके सम्मान के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ किया जाता है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं परमहंस अवधेशपुरी महाराज ने इस गाने पर आपत्ति लेते हुआ कहा कि गाने में कई आपत्तिजनक शब्द हैं, जिसे भगवान शिव के नाम पावन के साथ लेना सरासर गलत है। रैपर बादशाह को चाहिए कि यहाँ तो गाना बना ले या फिर भगवान शिव के भजन। अगर भगवान का नाम लेकर इस तरह का घटिया प्रयोग किया जाता है तो ये सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाना होगा, जिसे वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित महेश गुरु ने बताया कि भगवान भोलेनाथ किसी के उपयोग की वस्तु नहीं है। जिनके नाम का सही और गलत कहीं भी उपयोग कर प्रसिद्धि पाए और उन्हें भूल गए। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी मेरे द्वारा ऐसे कई विषयों पर आपत्ति जताई गई थी और आज भी मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अश्लील शब्दों के साथ भगवान भोलेनाथ का नाम लेना पाप है। मैं इस गाने पर आपत्ति जताता हूँ। यह चेतावनी भी देता हूँ, यदि जल्द से जल्द इस गाने से भगवान भोलेनाथ का नाम नहीं हटाया गया और सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगी गई तो फिर बादशाह के खिलाफ थाने में एक FSI दर्ज करवाई जाएगी। वही हिंदू नाति नेता अंकित चौबे ने बताया कि सनातन धर्म कोई खिलौना नहीं है, जिसका उपयोग कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थ के हिसाब से करेगा। हमने पूर्व में भी सनातन धर्म की रक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। यदि इस गाने में भगवान भोलेनाथ का नाम नहीं हटाया गया तो फिर उग्र आंदोलन किया जाएगा। महाकाल मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इस दौरान कई भक्तों ने महाकाल मंदिर प्रसिद्ध स्थित ओंकारेश्वर मंदिर को अन्य जगह पर इंस्टाग्राम के लिए रील बनाई थी, जिसमें फिल्म गानों पर बने वीडियो वायरल होने के बाद भी कई बार महाकाल मंदिर के पुजारियों ने इस पर आपत्ति ली थी। इंदौर की रहने वाली एक महिला ने ऐसे ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला था, उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था। एक अन्य लड़की ने गर्भगृह में बैठकर फिल्मी गानों पर वीडियो बनाकर अपलोड किया था, जिसके बाद भी पुजारी ने आपत्ति ली थी। धन्यवाद दर्शकों, ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहें इस चैनल को।